हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो दुबई का रिक्वायरमेंट है और दुबई के अंदर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो लोग एक हफ्ते में फ्लाइट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर फ्लाइट कर सकते हैं, वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड का रिक्वायरमेंट मेरे पास आया हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड में 10 बंदे चाहिए। ठीक है ना, और जो बंदा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर किया हुआ है या नॉलेज है उनको 2 साल 3 साल का, तो अच्छा सैलरी मिलेगा उसको। ठीक है ना, और फ्रेशर भी अगर रहेगा तो स्टार्टिंग सैलरी जो है 2500 है, 2500 दिरहम सैलरी है स्टार्टिंग में। और वहाँ का जो भी आईडी कार्ड, सिरा जो भी बनता है, यूनिफॉर्म सारा जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है ना, वाइट कलर जॉब है और जितना जल्दी हो सकता है बंदे मुझे अगर मिल जाएंगे 10 के 10 बंदे, तो मैं एक साथ में उनका जो है फ्लाइट एक हफ्ते के अंदर करवा दूंगा। क्योंकि वीज़ा, एक महीने का वीज़ा आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, एक महीने के वीज़े में फ्लाइट करेंगे, उधर जाएंगे, आपका इंटरव्यू होएगा 2 से 3 दिन के अंदर में, आपका जो है वीज़ा अप्लाई करके उसके बाद आपको जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है ना, विजिट वीज़ा में जो है ये काम नहीं कर सकते, वाइट कलर जॉब है। इसलिए ये जो अपना काम होता है, पहला एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, कार्ड बनेगा, उसके बाद बंदा ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, तो अच्छी काम है और सैलरी भी अच्छी दे रही है कंपनी। 2500 दिरहम सैलरी है स्टार्टिंग में फ्रेशर के लिए, और 3 महीने के अंदर में 300 से 400 उसका सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये अपना मॉल के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में ये काम अपना रहेगा। ठीक है, मॉल में, सोसाइटी में, बड़े बड़े जो सोसाइटी रहती है उसके अंदर में। ठीक है, और जो 3 स्टार 4 स्टार होटल है उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड का जॉब अवेलेबल है। तो इसमें जो है सिक्योरिटी गार्ड के लिए सारे 5 फीट 6 फीट हाइट वाला बंदा चाहिए। ठीक है, और सारे 5 फीट के जो ऊपर रहेंगे वही सिक्योरिटी गार्ड में चल सकते हैं, चाहे उसको काम आता हो या ना आता हो, लेकिन इसमें हाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, और दूसरा चीज़ जो है इसमें पी करके जो है ड्यूटी नहीं करने का अलावा है, जिसको पीना है वो रूम पे जाकर के पी सकते हैं। अगर कभी आप पी करके ड्यूटी में चले गए तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पे चार्ज लगाती है, फाइन भरना पड़ता है। इस वजह से जिसको पीने की आदत है वो इस जॉब के लिए अप्लाई ना करे। ठीक है, 2500 दिरहम स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी, 12 घंटा ड्यूटी है, और महीने के अंदर में जो है आपको 24 दिन इसमें काम करना पड़ेगा, 26 दिन काम करना है, 4 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। और सिक्योरिटी गार्ड में आपको 300 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है ना, तो 4 दिन अगर करेंगे एक्स्ट्रा तो उसका पैसा आपको अलग से दिया जाएगा। खाना जो है आपको वही 2500 दिरहम में ही रहेगा। ठीक है, कंपनी आपको फूड नहीं दे रही है, कंपनी ओनली रूम और मेडिकल आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और वहाँ पर जो भी कार्ड बनता है, यूनिफॉर्म मिलती है, शूज़ मिलते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं कटेगा आपका, कोई सैलरी से डिडक्टेड नहीं होगा। ठीक है, और ना ही इम्प्रूवमेंट वीज़ा लगाने का आपका पैसा कटेगा, कुछ भी नहीं। जो भी आपको सैलरी यहाँ पे 75,000 खर्चा है उतना भरेंगे, तो आपका काम पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक, और 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है। ठीक है ना, तो जो भाई जाना चाहते हैं दुबई, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे है ना अपना डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। आपका सबसे पहला जो है रिज्यूम होना चाहिए, पासपोर्ट का, बैगन फ्रेंड का स्क्रीन कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक फुल साइज फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड में। ठीक है, सिलेक्शन के लिए उसके बाद आप वीज़ा निकाल के हम देंगे। ठीक है ना, वीज़ा फ्लैट का 1 हफ्ते के अंदर में आपका काम हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और जाना अगर रहेगा तो फटाफट कीजिए। 75,000 खर्चा है, मेडिकल नहीं है इसमें, 1 हफ्ते के अंदर आपकी फ्लाइट हो जाएगी 100%। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।